तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं एल्विस यादव के बारे में। एल्विस यादव आज एक ब्लॉग अपलोड किया जिसका टाइटल एमसी स्टैन वर्सेस सिद्धू मूसेवाला डिबेट हो गया। तो इस वीडियो में उन लोगों ने एमसी स्टैन और सिद्धू मूसेवाला के बारे में बात किया। तो उन लोगों ने क्या कहा आप लोग खुद देख लीजिए। भाई यही है, और पहली बात अगर कंपैरिजन कर दो सिद्धू और तो भाई को किसी से भी नहीं है। करो भी मैं देना भाई का एमसी स्टैन। भाई एमसी स्टैन एज अ आर्टिस्ट बढ़िया भाई, मेहनत कर रहा अपनी जगह पर वो जो यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहा ना वो थोड़ी गाली वाले वे में, तो भाई वो मेरे को लगता ही गलत है। बाकी मेहनत तो मुझे तो बाहर ही चलता फॉरेन में, पर ये वाली बात है कि भाई सिद्धू जैसा कट्टर फैन भी आपको हॉलीवुड बॉलीवुड कहीं नहीं मिलेगा। पर भाई वो वाली बात है कि सिद्धू के गानों से ना एक ये लगती थी कि भाई रियलिटी है, या अगर आप कोई सीरियस मैटर होगा तो आप सुनोगे तो आपको हिट करेगा। अरे ये तो भाई कुछ कह रहे दोनों क्या भाई। पहली बात तो मैंने वो वाली बात ना भाई, गाड़ी का तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, गाड़ी तो दुनिया बके है, तुमने बको गाड़ी। इन्होंने दो पॉइंट रखे, एक तो गाली वाले और गन कल्चर है ना भाई, गन कल्चर की रहती ना भाई बॉलीवुड पूरा गन कल्चर पे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना भाई भी गन कल्चर पे, इसका पापा भी गन कल्चर पे। पंकज भाई जी आप किस किस के सपोर्ट में हो आप? मैं तो भाई से तुम से वाला। और एमसी स्टैन? मैं नहीं करता सपोर्ट। क्यों? बस अच्छा नहीं लगता। बात कोई वैसे ही खत्म कर देते हैं, देखो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछा जाए तो आई पर्सनली सपोर्ट सिद्धू मूसेवाला। अब बात करते हैं UK07 राइडर के बारे में। कल UK07 राइडर उनका मर्चेंडाइज लॉन्च कर दिया, तो 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग मर्चेंडाइज ऑर्डर किया था। उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए UK07 राइडर एक इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट किया जहाँ पर उन्होंने कुछ ये कहा। So guys, आज मर्च की लॉन्च थी और आपको पता है हम लोगों ने कितने ऑर्डर्स डाले थे? केवल 1000। हमारे पास 20 मिनट के लिए वेबसाइट लाइव थी, 1.5 लाख ऑर्डर्स, 1.5 लाख लोगों ने मर्चेंडाइज ऑर्डर करी गाइस। बट 1.5 लाख लोग टी शर्ट नहीं है गाइज मेरे पास देने के लिए, तो मैंने अभी वेबसाइट ना बंद कर दिया गाइज, वेबसाइट मैं दोबारा खोलूंगा। जिन जिन लोगों के ऑर्डर कंफर्म हुए ना गाइज वो लोग अपना ऑर्डर कंफर्म करा लेना। देखो यार टॉप 1000 लोग, रैंडम हजार लोग ही सिलेक्ट होंगे बिकॉज मेरे पास इतना प्रोडक्शन नहीं है गाइज 1.5 लाख ऑर्डर्स का। बट मान गए ब्रो से ना, अगर मैं तो सोच रहा हूँ अगर गाइज पूरे दिन के लिए वेबसाइट ऑर्डर करता तो करीबन 15-20 लाख ऑर्डर तो आते। बट ठीक है गाइज, कभी भी वेबसाइट खुल सकती है, जाओ जाकर के ऑर्डर प्लेस कर देना। एंड भगवान करे आप उन 1000 लोग में हो जो हमारी टीम में है गाइज। तो नेक्स्ट न्यूज सौरभ जोशी के बारे में। सौरभ जोशी उनके एक रिसेंट ब्लॉग में सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट किया। उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया आप लोग खुद देख लीजिए। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है प्लीज, मैंने आपसे पहले ही बोला था। ये देखो गाइस मेरे पास कितनी सारी चॉकलेट है जो कि 2 दिन की चॉकलेट है, सब्सक्राइबर्स मिलने के लिए आते हैं और देखे जाते हैं। तो इतनी सारी चॉकलेट्स मेरे पास पड़ी हैं, इसमें से ये वाली तो मैंने थोड़ी बहुत खा भी ली। और ये चॉकलेट्स वो हैं जो मुझे मिली हैं, जो पीयूष को मिली हैं, जो कुनाली को मिली हैं वो नहीं है, वो खा चुके हैं भाई। मतलब सोच सकते हो 2 दिन में कितनी चॉकलेट वो खा गए हैं। तो बस ये रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ आप लोग मिलने के लिए आ, तो आप सोचो आपको लगता है कि सिर्फ आप मिलने के लिए आ रहे हो, आप चॉकलेट ला रहे हो, बहुत लोग मिलने के लिए आते हैं, सभी चॉकलेट आते हैं, तो इतनी चॉकलेट खा खा के पीयूष और कुनाली खराब हो जाएंगे। तो बस ये रिक्वेस्ट करनी थी प्लीज़ चॉकलेट लेके मत आया करो, आप कुछ भी लेके मत आया करो, मैं तो कह रहा हूँ कोई गिफ्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉर्मली मतलब मिलते हो वैसे तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मत आया करो, बट अगर आप आते भी हो तो, बट जब होते हैं तो फिर खाने का मन भी करता है ना। अब है तो मन तो करता है खाने का, बट मैं कंट्रोल करता हूँ, लेकिन पीयूष कुनाली वो बच्चे हैं वो कंट्रोल नहीं करते भाई, वो तो उसी टाइम मिलते हैं सीधा खा लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मीठे की जो कि मुझे लग रही है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।